नमस्कार, एचबीसी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा सिंह। आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री महावीर जी के, जहां सांप्रदायिक सौहार्द का अनूठा संगम देखने को मिलता है। उत्तर भारत के प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल श्री महावीर जी, जहां आपसी प्रेम भाईचारा और सांप्रदायिक सौहार्द 12 महीने गंगा के निर्मल जल की तरह बहता रहता है। यहां सभी धर्मों के लोग आस्था प्रकट करते हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट। देश भर में विख्यात है उत्तर भारत के प्रसिद्ध दिगंबर जैन संप्रदाय के तीर्थ श्री महावीर जी। वह इस तीर्थ की सैकड़ों वर्ष पुरानी मान्यताएं और परंपराओं को देख सहज ही भगवान के चरणों के प्रति समर्पित हो जाने को जी करता है। लेकिन इस तीर्थ पर जैनियों से ज्यादा अन्य धर्मों के लोग अपनी आस्था प्रकट करते हैं। तभी तो चैत्र मास में लगने वाले वार्षिक मेले में भगवान महावीर के रथ को मीणा समाज के लोग खींचकर गंभीर नदी तक ले जाते हैं। वहीं गुर्जर समाज के लोग गंभीर नदी से रथ को वापस लाते हैं। जाटव समाज के लोगों द्वारा पूजा अर्चना कर रथ को भगवान महावीर के मंदिर से रवाना किया जाता है। तो रथ पर मुख्य सारथी बनने का सौभाग्य हिंडौन के उप जिला कलेक्टर को होता है। फिर वह चाहे किसी जाति और धर्म का हो, भगवान महावीर के रथ पर बतौर सारथी कई बार मुस्लिम समाज का अधिकारी भी बैठ चुका है। श्री महावीर जी का इतिहास 450 वर्ष पुराना है। भगवान महावीर की प्रतिमा भूगर्भ से निकली थी। बताया जाता है कि सैंड स्टोन से बनी इस प्रतिमा का निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन उद्भव 15वीं सदी में गंभीर नदी के तट पर अलौकिक चमत्कार के जरिए हुआ। इस तीर्थ क्षेत्र के उद्भव के बारे में बताया जाता है कि लगभग 450 वर्ष पूर्व चांदन गांव के ऊबड़ खाबड़ टीलों में विचरण करने वाली एक गाय का दूध एक खास स्थान पर स्वतः ही झर जाता था। यह स्थान गंभीर नदी के टीलों के बीच स्थित था। गाय जब कई दिनों तक लगातार बिना दूध के घर पहुंचती रही, तो गाय के मालिक जाटव जाति के कृपादास ग्वाले ने इसका कारण जानने के लिए गाय का पीछा किया। कृपादास ने गाय के स्तनों से स्वतः ही दूध झरने के अलौकिक चमत्कार को अपनी आंखों से देखा, तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसकी भयामा नामक गाय के थनों से अपने आप दूध झर रहा था। इसके बाद ग्वाले ने कौतूहलवश टीले की खुदाई की, तो वहां भगवान महावीर की मूंगावर्णीय दिगंबर प्रतिमा प्रकट हुई। चर्चाओं के अनुसार तेजी से फैले चमत्कार का असर इस कदर हुआ कि दिगंबर जैन धर्मावलंबियों ने प्रतिमा को उस स्थान से जब दूसरी जगह ले जाना चाहा, लेकिन प्रतिमा चलना तो दूर हिली तक नहीं। लेकिन जैसे ही टीले से भगवान को खोदकर निकालने वाले कृपादास ने भगवान के चरणों में वंदना कर प्रतिमा को हाथ लगाया, तो प्रतिमा को ले जाने वाला रथ अपने आप ही चल पड़ा। अब तक आपने देखा कि किस तरह ये चमत्कार हुआ और भगवान महावीर भगवान की प्रतिमा खुद चल पड़ी। चलिए आगे आपको दिखाते हैं किस तरह हुआ मंदिर का निर्माण। भगवान महावीर की भूगर्भ से निकली प्रतिमा के बारे में विशेषज्ञों की राय है कि इसका निर्माण लगभग 1100 वर्ष पुराना है। मुगल शासकों द्वारा जब हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा था, तब भगवान के किसी भक्त ने इस प्रतिमा को यहाँ भूगर्भ में छिपा दिया, जिसके सैकड़ों सालों तक यह प्रतिमा मिट्टी में दबी रही और फिर चमत्कार के जरिए अपनी महत्ता को दर्शाया। वहीं इस प्रतिमा के बारे में कहा जाता है कि जब इसने अपना चमत्कार दिखाया था, तब आकाश से भी अदृश्य वाणी हुई थी। भगवान महावीर की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए भव्य मंदिर का निर्माण बसवा निवासी सेठ अमरचंद बिलाला ने 450 वर्ष पूर्व कराया था। मंदिर के रक्त वर्णीय 3 भव्य शिखरों पर फहराने वाली जैन धर्म की पचरंगी ध्वजाएं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र का संदेश देती प्रतीत होती हैं। वहीं भगवान महावीर के मुख्य मंदिर के पृष्ठ भाग में जहां भगवान महावीर की प्रतिमा का उद्भव हुआ, उस स्थान पर भव्य चरण सिंह मंदिर बना हुआ है।
चरण सिंह मंदिर पर आने वाले चढ़ावे को आज भी कृपादास के वंशज प्राप्त करते हैं। इस स्थल पर चरण सिंह मंदिर से पहले संगमरमर से बना भव्य धर्म स्तूप भी जैन धर्म की प्रगाढ़ता और गहनता का परिचायक प्रतीत होता है। खास बात यह है कि जहां पूरे मंदिर की देखरेख और आने वाली द्रव्य सामग्री और चढ़ावे पर अतिशय क्षेत्र कमेटी का हक है, वहीं सैकड़ों साल बीतने के बाद भी जाटव जाति के ग्वाले कृपादास के वंशजों का चरण सिंह छतरी पर आने वाली दान राशि दूध आदि का अधिकार है, तो प्राचीन परंपरा का परिचायक है। और अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चैत्र मास में लगने वाले वार्षिक मेले के मौके पर यहां सैकड़ों साल पुरानी परंपराओं का आज भी निर्वहन होता है। वहीं बताया जाता है कि श्री महावीर जी का मंदिर जयपुर रियासत के अधीन रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। वैशाली के राजा सिद्धार्थ के पुत्र भगवान महावीर का यह मंदिर जयपुर रियासत के अधीन रहा है। बताया जाता है कि तत्कालीन जयपुर दरबार ने भगवान महावीर की सेवा पूजा पर होने वाले खर्च की व्यवस्था के लिए वे अपने अधीन राजस्व गांव नौरंगाबाद, जो आज श्री महावीर जी ग्राम पंचायत की एक ढाणी है, को गोद दे दिया है। आज जो श्री महावीर जी का भव्य स्वरूप है, उस समय नौरंगाबाद अकबरपुर के नाम से जाना जाता था। श्री महावीर जी नाम का स्थान भगवान महावीर का मंदिर बनने के बाद रखा गया। जयपुर के समाज सेवियों को उनके द्वारा गठित प्रबंधकारिणी कमेटी को सुरक्षा के लिए साल 1930 में सुपुत्र कर दिया और तभी से मंदिर की देखरेख आज भी जयपुर के ही लोगों द्वारा गठित अतिशय क्षेत्र कमेटी द्वारा की जा रही है। इसी मंदिर की अरबों की संपदा आज भी जयपुर और आमेर में है, जिनमें नारायण सिंह सर्किल पर मौजूद भट्टारक जी की नसिया भी मंदिर की संपदाओं में से एक है। चैत्र मास में लगने वाले यहाँ के वार्षिक मेले के मौके पर यहाँ सैकड़ों साल पुरानी परंपराओं का आज भी निर्वहन होता है। सांप्रदायिक सौहार्द के अनूठे संगम महावीर जी तीर्थ पर जब रथ यात्रा निकलती है तो मुख्य रथ के सारथी बनने का सौभाग्य हिंडौन के उप जिला कलेक्टर को प्राप्त होता है। फिर चाहे मेले में कितना बड़ा ही ओहदेदार व्यक्ति शामिल हो, वह मात्र दर्शक बनकर ही रह जाता है। जबकि रथ यात्रा निकलने के से पूर्व भगवान महावीर को सैकड़ों साल पहले भूगर्भ से निकालने वाले जाटव जाति के ग्वाले कृपादास के बाद उसके वंशज रथ की पूजा अर्चना करते हैं। जब तक कृपादास के वंशजों द्वारा परंपरागत तरीके से रथ की पूजा अर्चना नहीं की जाती है, रथ यात्रा शुरू भी नहीं होती है। इसके बदले कृपादास के वंशजों का अतिशय क्षेत्र कमेटी द्वारा खास रूप से सम्मान दिया जाता है। श्री महावीर जी के वार्षिक मेले में सांप्रदायिक सौहार्द का अनूठा संगम देखने को मिलता है। वहीं रत्नों से जड़ित सैकड़ों प्रतिमाएं मंदिर की आभा को निखार रही हैं। आइए डालते हैं एक नजर। जैन तीर्थ श्री महावीर जी का वार्षिक मेला सांप्रदायिक सौहार्द का अनूठा संगम प्रतीत होता है, जहां भगवान महावीर की पूजा अर्चना करने के साथ ही रथ यात्रा को खींचने का अधिकार जहां जाटव जाति के लोगों को है। वहीं मेले के मौके पर निकलने वाली रथ यात्रा में मीणा समाज के लोग नाचते कूदते रथ को गंभीर नदी तक ले जाते हैं और वापसी में गुर्जर समाज के लोग रथ की अगुवाई करते हुए वापस मंदिर तक लेकर आते हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में गुर्जर और मीणा समाज के बीच आपसी वैमनस्यता की झलक भी साफ तौर पर दिखाई दी, जे संभालने के लिए प्रशासन को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। जैन अनुयायियों के अलावा अजैन ग्रामीण खासकर पशुपालकों में भगवान महावीर के प्रति अटूट श्रद्धा इस कदर भरी हुई है कि जब घर में दुधारू पशु लाया जाता है तो उसके पहले दूध को भगवान श्री महावीर, जिसे वे पहले चांदनपुर वाले बाबा के नाम से पुकारते हैं, के चरणों में चढ़ाते हैं। मान्यता है कि इससे उनके पशुओं को कोई बीमारी नहीं घेरती है। यही नहीं, घरों में पहले दूध से बनने वाली खीर पर भी
बाबा का ही हक होता है। वही भगवान महावीर के मुख्य मंदिर में बने तलघर, जो कभी भगवान महावीर का मूल मंदिर हुआ करता था, जिसमें विराजित रत्नों की सैकड़ों प्रतिमाएं मंदिर की आभा को और निखार रही हैं। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अब बात करते हैं धौलपुर के ऐतिहासिक कुंड की, जो तीर्थ और सभी तीर्थों का भांजा कहलाने वाला तीर्थ राज मचकुंड पर देव छठ के दिन लगने वाला लक्खी मेला पूरे देश में कौमी एकता की अनूठी मिसाल मानी जाती है। मेले में सभी धर्म के श्रद्धालु पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाते हैं। पेश है ये रिपोर्ट। मचकुंड की मान्यता 9वीं शताब्दी से है, जब असुरों और देवताओं में युद्ध हो रहा था। तब असुरों से लड़ते लड़ते महाराज मचकुंड थक चुके थे, तो उन्होंने भगवान से आराम करने के बारे में कहते हुए ऐसी जगह के बारे में पूछा जहां उन्हें कोई परेशान ना करे। तो भगवान इंद्र ने उन्हें धौलागढ़ के नाम से जाने जाने वाले धौलपुर की पर्वत श्रृंखलाओं में एक गुफा के बारे में बताते हुए यहां भेजा। साथ ही उन्हें वरदान भी दिया कि सोते समय अगर तुम्हारी नींद में कोई खलल डालता है तो तुम्हारी आँख खुलते ही वह भस्म हो जाएगा। भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त राक्षस काल यवन जब देवताओं पर भारी पड़ने लगा, तो देवता उस राक्षस को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए और उनसे राक्षस काल यवन को मारने के लिए विनती की। तब भगवान श्री कृष्ण उस राक्षस को अपने पीछे पीछे उसी गुफा पर ले गए जहाँ महाराज मचकुंड जी सोए हुए थे, और अपना दुपट्टा उनके ऊपर डाल दिया। राक्षस ने समझा कि वहाँ श्री कृष्ण सोए हुए हैं और उसने महाराज मचकुंड को लात मार दी, जिससे उनकी नींद खुल गई और उनके सामने आने से राक्षस काल यवन का वध हो गया। इस कथा का उल्लेख गीता में भी है। वहीं उस गुफा में भगवान श्री कृष्ण के पैरों के निशान बने हुए हैं, जिसके बाद महाराज मचकुंड और भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ एक यज्ञ किया जिसमे सभी देवी देवता नजर आए। मेले का आयोजन होता है जिसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी धर्मों के लोग भाग लेते हैं बढ़ चढ़ कर। दिन में मचकुंड मेला लगता है तो रात को बाबा अब्दुल शाह दरगाह पर कव्वालियों का आयोजन होता है। दोनों मेले एक साथ चलते हैं। ऐसी स्थिति में आज छठवें गुरु हरगोविंद सिंह जी भी आए थे, जिन्होंने यहाँ पे शेर शिकार कर कौमी एकता के लिए इस जगह को विश्व में प्रसिद्ध किया। इस पावन धरा के बारे में ऐसी भी मान्यता है कि 400 वर्षों पूर्व सिखों के धर्म गुरु भी यहां आए थे और उन्होंने भी यहां शेर का शिकार किया था, जिसके बाद यहां पर गुरुद्वारा बनवाया गया जो गुरुद्वारा शेर शिकार के नाम से मशहूर हुआ। वहीं नरावली पर्वत श्रृंखलाओं में बने हुए एक पहाड़ पर मुस्लिम समाज के पीर बाबा अब्दाल शाह ने भी यहां से गुजरते हुए आराम किया था, जिसके बाद वे यहीं पर रह गए और उनकी मजार भी इसी पर्वत के ऊपर बना दी गई और उनकी दरगाह पर लोग दुआएं मांगने लगे। हर व्यक्ति का आपस में प्यार है, गुरुद्वारे में सब लोग आते हैं और मंदिरों में सब लोग जाते हैं, अब्दुल शाह बाबा की दरगाह में सब लोग जाते हैं। यहाँ की जो हिंदुस्तान से अलग परंपरा है, जो एक कौमी एकता और जगह नहीं मिलने को मिलती, और यहाँ बिल्कुल एक कौमी एकता के अंदाज से सारे लोग बड़े प्यार से रहते हैं, सारे के आपस में सद्भावना है। सारे तीर्थों का भांजा माना जाता है, इसलिए सारे तीर्थ करके लोग जो आते हैं वो मचकुंड में स्नान करने जरूर आते हैं। और यहाँ ऐसी परंपरा भी है कि लोग बाग अपने शादी के जोड़ों के दूल्हे दुल्हन के मोहर चराने मचकुंड में ही आते हैं, इसलिए यूपी और एमपी के सभी क्षेत्रों से यहाँ लाखों की संख्या में लोग आते हैं। एक ही दिन हिंदू मुस्लिम और सिख समाज के लोगों द्वारा आयोजित होने वाला यह मेला देश में कौमी एकता की एक अनूठी मिसाल है। धौलपुर से विनोद तिवारी की रिपोर्ट। यह मान्यता है कि मचकुंड